हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के बना रहा हूँ। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आइए देखते हैं कि आज खास क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक डेटाबेस हमने ले लिया है, यहाँ पर टेबल वन आपको दिखाई पड़ रहा है। जनरली ये 2007 है, तो आप करते क्या है, यहाँ से व्यू पे जाते हैं, फिर डिजाइन व्यू पे जाते हैं और यहाँ पर जो भी टेबल बनानी है उस टेबल का नाम दे देते हैं। लाइक यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें कोई प्रोडक्ट की टेबल बनानी है, तो ये मैंने लिखा प्रोडक्ट की और ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट की आईडी आएगी, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आएगा, तो यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं। ये लिखा मैंने नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, ओके। और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आएगा, तो बहुत सारे डेटा टाइप आपको देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल हम रखने वाले हैं टेक्स्ट डेटा टाइप। फिर यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर प्राइस आएगी, प्रोडक्ट की प्राइस, जो भी प्राइस है वो यहाँ पर आ जाएगी। प्राइस को रखेंगे क्या, करेंसी डेटा टाइप, तो सब कुछ क्लियर है बहुत। फिर यहाँ पर आएगा यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट ले लेते हैं, और यूनिट लेने के बाद यहाँ पर यूनिट का जो डेटा टाइप है वो मेंशन कर देंगे, लाइक नंबर रख देते हैं हम, और यहाँ पर लॉन्ग इंटीजर को बना देंगे डबल, ठीक है, तो ये बना दिया डबल। और फिर यहाँ पर टोटल कर देंगे टोटल, टी ओ टी ए एल, तो ये कर दिया टोटल। अब यहाँ पर टोटल हमें चाहिए, टोटल होगा कैसे, तो यहाँ पर ले लेते हैं नंबर डेटा टाइप। आप चाहें तो करेंसी भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, करेंसी रख लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल में करेंसी हमें चाहिए, तो ये तो हो जाएगा कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट होगा, जबकि हम क्वेरी बनाएंगे, तो इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ से व्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आएगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो यहाँ पर आएगा। तो जो प्रोडक्ट का नाम देना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ पार्ले जी, ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट का नाम। अब मान लीजिए कि 5 रुपए कीमत है एक पार्ले जी की, और ऐसे ऐसे 50 पैकेट आपने खरीदे, तो यहाँ पर टोटल होके आना चाहिए। तो टोटल के लिए तो हम बनाते हैं क्वेरी, कैसे बनाएंगे क्वेरी, इसको सेव कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। फिर यहाँ क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ से आते हैं क्वेरी डिजाइन पर। जैसे ही क्वेरी डिजाइन पे आते हैं, तो यहाँ आपको दिखेगा प्रोडक्ट टेबल, तो बस ले लीजिए। 2007 में करने का यही तरीका है, कैलकुलेट करने का यही तरीका है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, समझ में आ रही बात। यहाँ पर टोटल करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल आ रहा है। अब यहाँ पर कोलन लगा दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है प्राइस, क्या लिखना है प्राइस, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और इनटू करिएगा यूनिट। अगर यही बात होती लिब्रा बेस्ड डेटाबेस की, तो थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता, क्या होता सिनेरियो, अभी चलिए व्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर टोटल भी आ गया है, देख सकते हैं ये टोटल भी हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई दूसरा प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए राइस है, RIC राइस, ये राइस लिखा मैंने, और यहाँ पर राइस की कीमत 50 रुपए किलो है, और ऐसे 50 किलो राइस अगर खरीदा, तो टोटल कॉस्ट अपने आप आती चली जाएगी। ये क्वेरी का फायदा है। अब इस क्वेरी को हम सेव करते हैं, तो यहाँ से चलते हैं और प्रोडक्ट क्यू के नाम से सेव करते हैं, ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट क्यू, ठीक है। ये तो बात रही कि हम किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में काम करते हैं, थोड़ा सा आ जाते हैं लिब्रा बेस्ड डेटाबेस में, ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूं। तो यहाँ से लिब्रा बेस्ड डेटाबेस को मैं ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ तो मैं बेस डेटाबेस ही ओपन कर रहा है, तो बस बेस डेटाबेस पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर क्रिएट न्यू डेटाबेस नेक्स्ट करिए, हम इसको रजिस्टर नहीं करेंगे, फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, आपके सामने न्यू डेटाबेस 12 ओपन हो जाएगा। आप यहाँ का नाम चेंज भी कर सकते हैं, मैं फिलहाल यही रखता हूँ। क्लिक कर दीजिए, आपके सामने एक नया सिनेरियो आएगा, हमें कहाँ जाना है, डिजाइन व्यू में जाना है, तो डिजाइन व्यू में चलते हैं। यहाँ पर देखिए तरीका क्या होगा, यहाँ पर आए, सेम चीज है, आईडी है, ठीक, यहाँ पर देखिए अलग अलग डेटा टाइप आपको मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो जो भी डेटा टाइप रखना है रख लीजिए, फिलहाल आईडी को यही रखते हैं, क्योंकि आईडी हमने वहां पर प्राइमरी की बनाई थी, यहाँ पर प्राइमरी की, हम यहाँ पर भी प्राइमरी की बना देते हैं। तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट था ना, तो यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से, दोनों में कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, नेम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, 2007 में कैसे काम करते थे और यहाँ पर क्या तरीका है, ठीक है। तो ये तो टेक्स्ट बैर क्या ही रहेगा, फिर यहाँ पर आते हैं प्राइस कर देते हैं, प्राइस प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा डेटा टाइप आएगा प्राइस, तो क्या यहाँ करेंसी डेटा टाइप आपको दिख रहा है, कहीं भी देखिए करेंसी डेटा टाइप नजर आ रहा है, कहीं भी हमें इसमें करेंसी डेटा टाइप नहीं नजर आ रहा है। डेटा टाइप हम चेंज कर देते हैं, यहाँ डेटा टाइप हम कर देते हैं नंबर, ठीक है, तो ये नंबर कर दिया हमने। अब यहाँ पे यूनिट कर देते हैं, यूनिट UNIT, यूनिट को हम फ्लोट डेटा टाइप बनाएंगे, क्योंकि हम दशमलव में भी एंटर करना चाहते हैं, देखिए ये फ्लोट है, ठीक है, जाएंगे तो देखेंगे ये टेबल तो आपको पूरी मिलेगी, टोटल वाला ऑप्शन हमें नहीं मिलेगा, टोटल कहाँ से आएगा, जब हम डिजाइन व्यू में जाकर के और यहाँ पर क्वेरी क्रिएट करेंगे, टेबल नहीं बनाएंगे बल्कि क्वेरी क्रिएट करेंगे, तो ये क्वेरी पे जाएंगे और क्रिएट क्वेरी डिजाइन व्यू पे जाकर के इसको ऐड करा देंगे,
और यहाँ से इसको क्लोज करके और फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ये पकड़ के रहेंगे ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट प्राइस पर यूनिट ये ले लिया हमने। अब हमको यहाँ पर टोटल चाहिए, तो टोटल यहाँ पे करना है तो हमें क्या करना होगा, किस तरीके से टोटल करना है वो बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जा करके प्राइस इनटू यूनिट कर दीजिए और इस फील्ड को नाम क्या देना चाहते हैं वो अलियास में दे दीजिए। तो ये टोटल लिख दिया ठीक है, और यहाँ से सेव कर दीजिए, तो सेव हो गया जी, क्वेरी रन हो गई आपकी, अब इसको क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि टोटल भी आपका हो गया है, हो गया है कि नहीं देख सकते हैं। अब जो भी आप एंटर करेंगे टेबल में, टेबल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे टेबल में आए जो भी एंटर करेंगे क्वेरी में ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एंटर करता हूँ पल्स, PULSE पल्स हो गया, यहाँ पर 120 रुपए किलो किया मैंने और यहाँ पे कर दिया 5 किलो। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कह रहा है, और यहाँ पे हमने आईडी नहीं दिया जिसकी वजह से दिक्कत हो गई, ये हो गया। चलिए अब यहाँ पर आए, यहाँ पे फोर कर दिया, यहाँ पर कुछ और कर देते हैं लाइक यहाँ पे कर देते हैं कर दिया, और यहाँ पर आते हैं प्राइस कर देते हैं इसका 100 रुपीज और 5 पैकेट लिया, उसके हिसाब से कीमत कितनी आई हमें ये देखनी है ठीक है। ये यहाँ से जा करके इसको सेव कर सकते हैं या क्लोज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारी क्वेरी है, तो क्वेरी में जाएंगे इसे अपडेट करना होगा। देखिए ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना ये रिफ्रेश का बटन है, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, पूरा आपको दिखाई भी पड़ेगा, समझ रहे हैं आपको। यहाँ से जाएंगे तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ये शॉर्ट हो गया, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत आसान है, बात समझ में आ रही है। और फिर चलते हैं कुछ चीजों को और अपडेट करते हैं टेबल में। ये टेबल है हमारा, यही प्रोडक्टिव वाला टेबल है ना, यहाँ पे आए यहाँ पे कर देते हैं पांचवा नंबर आते हैं, यहाँ पे करते हैं शुगर SUGAR ठीक है, यहाँ पे करते हैं 45 रुपए किलो, 45 किलो ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं छठवा आइटम, यहाँ पे करते हैं ब्रिटानिया बिस्किट है, तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कीमत करते हैं 25 रुपए एक पैकेट की, और 50 पैकेट लिया तो उसकी कीमत क्या आएगी वो हम देखेंगे। तो आप यहाँ से क्लोज कर दीजिए और क्वेरी में चले जाइए। जैसे ही आप क्वेरी में जाएंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं भी होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितने आसानी के साथ आप कैलकुलेट कर पाएंगे, दोनों ही में कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम ठीक है। मैंने तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी दिखाया, ये एक्सेस था ठीक है, और एक्सेस के बाद आपको लिब्रा बेस्ड डेटाबेस भी दिखाया, दोनों ही दिखा दिया। तो दोनों ही में जिसने आसान लगे उसमें कर सकते हैं काम ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी ओके। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।